दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प कहानी बताने वाली हूँ। अगर आपने ये सुने हो तो भी अच्छा है, ना सुने हो तो सुन लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही बड़ी शिक्षा दे के जाएगी आज। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है। एक दिन एक बिल्ला एक चूहे को भगा रहा था मारने के लिए। अब चूहा दौड़ते दौड़ते साधु के पैर में आके गिर गया कि मुझे बचाइए बिल्ले से। अब साधु ने सोचा कि कैसे इसको बचाया जाए। तो उन्होंने, वो बहुत पहुँचे हुए साधु थे, उनकी अच्छी खासी पावर थी, तो उन्होंने वो चूहे को बिल्ली बना दिया। अब बिल्ला भी कॉन्फ्यूज हो गया कि अरे यार, ये तो बिल्ली है, मैं किसके पीछे भाग रहा था। तो बिल्ली चला गया। तो वो जो चूहा बिल्ली बन गया था, तो वो बहुत धन्यवाद किया और चला गया। अब कुछ दिन बाद वो बिल्ली दौड़ के आया और बोला, साधु महाराज, मुझे अब कुत्ते भगा रहा है, प्लीज़ मुझे बचाइए। तब अब क्या किया, वो साधु ने इस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। फिर कुत्ता उसके पीछे नहीं भाग रहा था, तो उसने बहुत ही साधु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वो कुत्ता फिर दौड़ते हुए आए साधु के पास और बोले कि साधु महाराज, मुझे शेर ने मेरा पीछा किया है, मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे शेर बना दीजिए। तो साधु ने सोचा, ठीक है, इसको शेर बना देता हूँ, फिर मुझे और भी टेंशन नहीं होगी और इसको भी कोई नहीं भगाएगा, नहीं मारेगा। तो फिर साधु ने उसको शेर बना दिया। अब वो शेर जब बन गया तो वो इतना नालायक था, तो वो बोला, ठीक है, अब आपने मुझे शेर बना दिए हो, अब मैं आपको ही खाऊंगा। ये सुन के साधु बड़े ही दंग रह गए कि तुझे मैं चूहे से बिल्ली, बिल्ले से कुत्ता, कुत्ते से शेर बनाया और तू मुझे ही खाने आया। तो साधु गुस्सा होकर फिर से उसे चूहा बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, जो हमारी उपकार करते हैं वो कोई भी हो, ठीक है, उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अक्सर इंसान यही करते हैं, जब उनकी मदद की ज़रूरत होती है तब वो गुरु के गिरा के कुछ भी करके अच्छा बोल के मदद तो ले लेती है, जब लेकिन वो जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब उस मदद करने वाले को बिल्कुल ही भूल जाते हैं जिसके लिए आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे होती है जिनके मदद से हम बड़े होते हैं, जिनके मदद हमें मिलती है, तो उनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उनको हमें हमेशा उनके प्रति हमें ग्रेटफुल होनी चाहिए, हमें थैंकफुल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, हमें इस नेचर के प्रति थैंकफुल होनी चाहिए, इस यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल होनी चाहिए, हमें भगवान के प्रति थैंकफुल होनी चाहिए। हमारे पास जो भी है उस सब के लिए हमें ग्रेटफुल और थैंकफुल जो एक मेंटेलिटी है उसको रखनी ही चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये निवेदन है कि आप कभी भी अगर किसी के भी मदद से आप थोड़ा भी सक्सेस हुए हो, तो उस इंसान को कभी नहीं भूलना, उस इंसान को दिल से शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आपको सारी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।